अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज है हमारे शॉपिंग का डे टू और अगेन हम जा रहे हैं कुछ शर्ट्स वगैरह देखने के लिए फराज के लिए। तो बस अभी हम आए यहाँ पे मदीना रोड पर है यहाँ पे अल नखील सेंटर ना, तो उसके नीचे कुछ शॉप्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे अब हम अभी जा रहे हैं। यहाँ पे आपको हर तरह की कलेक्शन मिलेगी, विंटर की भी मिलेगी, समर्स की भी मिलेगी, और जेंट्स की जो कलेक्शन है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको देखेंगे, शूज़ वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो यहाँ पे जैकेट्स लगती हैं। विंटर कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त होती है, और ख़ास करके ये जो अभी इस टाइम है जुलाई और अगस्त का, इसमें इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी आती है, ये जहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया है। ये वाली भी ट्राई करके देखो, अच्छा यहाँ पे अमूमन जैसे इनको मीडियम आता है, तो यहाँ पे इनको इस तरह की जो शर्ट्स है ना उसका एक्सेल आ रहा है ना, सही एक्सेल सही आ रहा है। देखो देखो ये सारा जो है वो इटालियन ब्रांड है, और सारे कपड़े मतलब बहुत अच्छे होते हैं इनके। हम बहुत दफ़ा यहाँ से, हम ज़्यादातर ये अपने ऑफिस की शर्ट्स वगैरह भी यहीं से लेते हैं। तो कैसी कलेक्शन लग रही है अभी आपको आज की? आज की बहुत अच्छी कलेक्शन, बहुत अच्छी आई हुई है। वैसे हम जब वहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे ना, तकरीबन हम आए थे 2019 में, तो उस टाइम पे बहुत बहुत तुर्की जब जा रहे थे बहुत अच्छी कलेक्शन थी, तो हमने यहाँ से अपने जितने भी स्वेटर्स जैकेट्स वगैरह थी वो ली थी। बहुत अच्छी यहाँ पे विंटर कलेक्शन आई हुई थी, उसके बाद से मुझे लग रहा है कि आज बहुत अच्छी आई हुई है। बीच में हम बहुत दफ़ा आए लेकिन जैसे स्वेटर्स वगैरह इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन आज बहुत अच्छे आए हुए। लेकिन बस यहाँ पर सर्दी नहीं पड़ती कि हम यहाँ पर और लें। एक प्रॉब्लम ज़रूर होता है, साइज़ का बड़ा प्रॉब्लम होता है, साइज़ का हाँ बहुत इशू होता है। यहाँ पे पैंट्स कलेक्शन भी बहुत अच्छी आई हुई है। इस बार तो हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे सूट्स नज़र आए हैं, और बहुत ही अच्छी कलेक्शन आई हुई थी, और फराज को तो बहुत ज़्यादा पसंद है सूट्स वगैरह, हालांकि पहनने में बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ से एक ले लिया आज। तो मैं आ गई थी लेडीज़ सेक्शन में, और यहाँ पे देखिए कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पे। अमूमन वैसे लेडीज़ की कपड़ों पे इतनी कोई ख़ास वैरायटी मुझे नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे शूज़, बैग्स और ये सब चीज़ें जो एक्सेसरीज़ वगैरह होती हैं बहुत अच्छी मिल जाती हैं। आप ये देखें बैग्स की कलेक्शन कितनी अच्छी है, हर साइज़ के यहाँ पे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, वॉलेट्स वगैरह भी हैं, और इसके अलावा शूज़ बहुत सारे हैं यहाँ पे। फिर मुझे यहाँ पे दिख गए थे स्कार्फ, जो कि बहुत ही यहाँ पे कम कलेक्शन थी, 2 से 3 डिज़ाइन थे बस। तो बस जितने भी थे वो मैंने ले लिए हैं। यहाँ पे प्राइस जो लिखी हुई है वो नहीं दी है, बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में, सेल प्राइस पे लगे हुए थे। मैंने ये दोनों डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिए थे, और साथ में मुझे ये ब्लैक बहुत अच्छा लगा था। वैसे तो ब्लैक बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये देखें कितना प्यारा ये शाइन वाला था, तो और ये सर पे टिक भी रहा था, तो मैंने ये ले लिया। और इसके अलावा ये देखें दूसरा भी मैं ट्राई कर रही थी कि पहन के कैसा लग रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये ब्लू और रेड का कंट्रास्ट था, और ये भी बहुत अच्छा था, बहुत ये मरून सा कलर है, और इस पर हल्की हल्की ग्लिटर लगी हुई है, तो ये तीनों मुझे बहुत पसंद आए थे, तो मैंने तीनों ले लिया। यहाँ पे मैं आ गई थी, और यहाँ पे ये जो थे सारी, ये मुझे फर्स्ट टाइम नज़र आई यहाँ पे। ये बच्चों के सारे कलेक्शन थी सूट्स की, जो कि पिक्चर में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये बच्चों की कलेक्शन है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें सामने जो लगे हुए हैं वो हैं बड़ों के कपड़े, और ये थे फराज, इनको ये वाला ड्रेस बहुत पसंद आया था, तो ये ट्राई कर रहे थे, और ये इन्होंने ले भी लिया है। तो भाई इनकी तो हो गई बर्थडे, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। हमें तो बहुत अच्छा लगा, और घर आके इन्होंने ट्राई भी कर लिया है, और बिल्कुल ही मतलब इनका अपना साइज़ है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल रूम नहीं था। तो बर्थडे शॉपिंग हो गई है, नाउ इट्स टाइम टू पे द बिल। यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सेल भी लगती रहती है, तो जब सेल लगे तो जब भी आकर ले सकते हैं, लेकिन स्टॉक जो था वो अभी बहुत अच्छा था, तो हमने सेल का वेट नहीं किया, और जो प्राइस थी उस पर हमने ले लिया। तो हम निकल गए अब यहाँ से, और शॉपिंग भी कर ली है काफ़ी सारी।
साथ साथ मैंने अपनी भी कुछ कर ली है, स्कार्फ मतलब ली है सिर्फ। लेकिन मुझे एक शिकायत है यहाँ पे ना, लेडीज का जो है इतना अच्छा स्टॉक नहीं होता, पता नहीं क्यों। लेडीज का मतलब आपको मिल जाता है अगर स्वेटर्स या जैकेट्स वगैरह टाइप के, अगर अच्छी नहीं होती हैं, कोई शॉर्ट होती हैं, कभी वो इतना एक्चुअली वो इटालियन ब्रांड है तो उसी हिसाब से उनके वो कपड़े हैं, ठीक है सारे। तो बस ये कि जेंट्स की बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है, ख़ास करके जो सूट्स होते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, शर्ट्स और इसके अलावा मतलब विंटर कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सूट जो है ना वो दुनिया में फेमस है, समझे ना, इस वजह से आपको सूट इटालियन शॉप पे अच्छे ही मिलेंगे। हाँ ये है कि मैंने एक चीज़ आज क्रैक की है जो मैं आपको भी बताऊँगा, वो ये है कि गर्मी में ना इनके पास होता है सर्दी का स्टॉक और सर्दी में इनके पास होता है गर्मी का स्टॉक। जब आपको अगर गर्मी का स्टॉक लेना है वैसे तो देखें यहाँ पे जद्दा में सर्दी तो पड़ती ही है, ठीक है। तो अभी जो है जैसे अगस्त चल रहा है तो अभी गर्मी है काफ़ी, लेकिन अभी इनके पास अच्छा स्टॉक आया हुआ था और फिर लास्ट ईयर भी इन्होंने हमें कहा था कि जुलाई में आएगा अच्छा स्टॉक हमारे पास, मतलब स्वेटर्स वगैरह ना, लेकिन हम लोग जा नहीं सके थे। तो बस अब हम निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया, रात के 12 बजने वाले हैं, और इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। दो में याद रखिएगा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।